Oh,
Thank you.
बहुत किया पति राम चंद्र महाराज की। हम तो पहला सीन जरा तारका पद दिखाया जाएगा। तारका पद तो बाद हिस्सा लेना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बरात के नाल चलना। मिंटू कनेडा तो शर्मा जी जिन्हों की प्रेरणा अज अभी स्टेज से बोल रहे हैं उन्होंने नाम रमेश्वर दास शर्मा जी अज 52 साल रामलीला का हो गया। यह सब इन्हों आशीर्वाद छोटे छोटे कलाकार जो देख रहे तुम इन्हों का आशीर्वाद सानू बहुत मिलता है। अज का नाम शर्मा जी का रमेश्वर दास शर्मा जी का मैं क्लब के प्रधान जेड़े कुलदीप शर्मा दीपू जी डायरेक्टर सतीश कोंडे जी वाइस प्रधान पवन शर्मा जी कैशियर अजेश गौतम जी इन सारे का जोड़ा भी क्लब को चला रहे हैं। मैं क्लब वालों बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद करना। कुलदीप शर्मा दीपू जी के नाम पुलिस प्रशासन का भी क्लब वालों बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जरा घर बैठे भी जो बाहर है उन्होंने मैसेज कर सकते लाइव हो रहा है। अज का जरा सा कल भी लाइव होएगा जिनों जी शोभा यात्रा वह भी कई लाइव कर रहे हैं। विद्या भारत तर्पण वाले कई लाइव कर रहे हैं।
जी भी सोन देख रहे हैं इंदर सोन तलवाड़ा म्यूजिक के बैठे ने साडे राजेश ठाकर जी उन्होंने नाल प्रवीण पीनू जी के बेटे आनंद ठाकर जी यूट्यूब से जरा कार्तिक लाइटिंग भी देख सकते हैं आज जरा हो रहा है। बाकी मैं सारियां का जिन्हें सानू सहयोग करते हैं रामलीला इन्हों सारियां का क्लब खोलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जरा सा मेन सीन होएगा अज सीधा स्वयंबर होएगा सारियां नू हाथ जोड़ के बेनती है कोई भी इस तरह ना जाए घर लो क्योंकि अज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अज तो विश तोड़ना है कि कल जरा सा राम राज जी है बाजार के लैके जावे सारे नू बेनती है कल सा साथ जरूर दियो 4 बजे शोभा यात्रा बस स्टैंड इतने चलेगी। मेकअप जिहड़े कर रहे ने साडे ए रौनकी फूलबाजी कर रहे ने जिन्नी भी मेकअप आउंदी है कलाकारां दी ते साडे रौनकी फूलबाजी साडी क्लब नाल छोटे छोटे बच्चे भी जिहड़े आ जुड़े आ रिहर्सल दे विच भी आउंदे सी ओह 2 महीने लगातार ताकि रिहर्सल चलदी रही है ते छोटे छोटे कलाकार तुहाडे बच्चे तुहाडे भरा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਬਣੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਸਵਰਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ बैठे बाकी सीन 2-3 मिनट लगने तारका का पहला ही सीन तुहानू दिखाया जाएगा। जो है वो पाठ पढ़ा दिया महाराज दशरथ जी ने
ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜੀ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੀ ਤੀਨ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਮੇ ਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ उसके पश्चात जो है जब राजकुमार बड़े हुए तो इस धरती पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। उन्हीं पर लोगों को तपस्या नहीं करने दे रहे थे राक्षस लोग। तो गुरु विश्वामित्र जी जो है उन्होंने महाराज के दरबार में हाजिर होकर महाराज दक्षिण जी थे राजकुमारों की मार कर डाली। हे दक्षिण जो राक्षस लोग हैं हमें पूजा पाठ हवन जाके नहीं करने देते। उसने जो है डालते हैं तो हमें आप इन अपने राजकुमारों को दो राजकुमारों को श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को मेरे साथ सुरक्षित करने के लिए जंगल में भेजे। तो महाराज जी बड़े परेशान हुए कि महाराज चौथे वन में जाके संतान पाई है तो इस वक्त मैं इनको कैसे भेज सकता हूँ। अभी तक इनके दांत दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए मगर मुनिवर जी को भी उन्होंने वचन दे दिया था कि आपको सब कुछ आपकी श्रद्धा पूरी की जाएगी तो मजबूरी के साथ उन्हें जो है राजकुमारों को मुनि विश्वामित्र जी के साथ जंगल में भेजना पड़ा। तो वो दृश्य जो है कल हमने दिखाया, अभी जो है आपको दृश्य दिखाया जाएगा मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी जो है वो जंगल में बैठे तपस्या कर रहे हैं और वो दृश्य जो है जो ये जंगल में जंगल के जैसे कि आपको तारका वाली कहानी सुनाई है वो तो ये अभी वो श्री अवधि रामचंद्र महाराज की Yeah.
बेटा लक्ष्मण, वह तो उन्हें उन्हें पहले ही प्राप्त थे, परंतु अब मैं इन्हें उन दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा जो कई वर्षों से लुप्तप्राय हो गए थे। गुरुजी, जैसे वर्णास्त्र, अज्ञानास्त्र, पवनास्त्र, पशु पदास्त्र, जिनके नाम सुने जाते हैं, आपको श्री वशिष्ठ जी ने बतलाया होगा। गुरुदेव, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था, भला और अति भला विश्वामित्र जी के बाद में वही आपको बताएंगे। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा, परंतु वो देखो
Thank you.
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आपने ये दृश्य देखा, आपके पसंद का था, तो मेहरबानी करके बैठने की कृपा करें। अभी तो शुरुआत हुई है, पीछे भी बड़े बड़े दृश्य आपको दिखाए जाएंगे। तो ये आपने दृश्य देखा, इस दृश्य में आपको पता चल गया होगा कि ऋषि मुनि जो हैं, जो भगवान की तपस्या करते हैं, वो जंगलों में ही करते हैं। तो जंगलों में, हाँ जी, उनको तपस्या करने में राक्षस लोग जो हैं वो विघ्न डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुनि विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से जो मांग की थी कि इन राजकुमारों को मेरे साथ मेरी कुटिया में भेजे, क्योंकि राक्षस लोग जो हैं मुझे भजन और जो है कोई प्रभु का नाम लेने के लिए जो है वो विघ्न डालते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि दृश्य काफी लंबे हैं और आपका मनोरंजन जो है पूरा किया जाएगा। कल का प्रोग्राम आपको बता दिया गया है। तो ये ब्रदर फायर स्टोन वाले पूरी स्वीट शॉप के पास जो है वो 100 रुपये जो है आपको भेंट कर रहे हैं। तो हमारे एक चाय वाले सज्जन हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप चौक पर जो है उनका स्टॉल है, वो 1100 रुपया जो है वो क्लब को भेंट कर रहे हैं। मैं उनका क्लब की ओर से, कमेटी की ओर से धन्यवाद दी हूँ, जिन्हें के तो उनका नाम मैं बताऊंगा, भूल गया हूँ। अभी आपको दृश्य में ले चलूंगा। बोल श्रीपति रामचंद्र महाराज की जय। और कहां से भेजी है बेटा?
नहीं बेटा, जनक जी ने पुत्री सीता के स्वयंवर का दिन रखा है, उसी के उपलक्ष में हमें आमंत्रित किया है। हमें भी बुलाया है? हाँ हाँ बेटा, आपको भी मेरे साथ जाना है। गुरुदेव, हमें कब चलना है? हम कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। चलो कुछ अभी विश्राम कर लीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आपने दृश्य देखा तो मैं आपको कुछ और बता दूं कि ये जो चल रहा अभी दृश्य चल रहा है, बेटा लक्ष्मण ठहरो,
दीनानाथ, कृपा सिंधु, मैं अपावन नारी आपके चरण रज की किन शब्दों से स्तुति कर सकती हूँ। हे सर्वशक्तिमान, आपका गुणगान करने में मैं असमर्थ हूँ। आपने बड़ी कृपा की जो आज मुझे पति श्राप से मुक्त कर शीला से नारी रूप प्रदान किया। हे भगवान, मेरी आपसे हाथ जोड़। आजाद जी जो हैं लखनऊ से वो 50 रुपए भेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक दो लफ्ज बोल के सुनाऊंगा, दो लफ्ज हैं सिर्फ, तब तक जो है दिलीप जो है वो तैयार हो जाएगा। वो क्या है कि जब महाराज दशरथ थे, मुनि विश्वामित्र जी ने जो है इन राजकुमारों की मांग की कि ये राजकुमार मुझे दे दे जो मेरी रक्षा करेंगे, जंगल में जो है जंगली जानवर ही समझो, वो भोजन वगैरह नहीं करने देते। तो उस वक्त जो है महाराज ने राजकुमारों को दिल से कैसे कहते, क्योंकि चौथे पन में तो उन्होंने औलाद पाई थी, तो वह कैसे दे देते, मगर फिर भी जो है उन्होंने हौसला रखा और मुनि जी को कहा कि ले जाइए। तो रास्ते में जो है राजकुमार वो गुरु जी को खुश करने के लिए, जब गुरु जी की महिमा गाने के लिए दो लफ्ज बोल रहे थे। चल भाई, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारे वहां तक पहुंच के तो मुनि जी ने राजकुमारों को समझाया कि ऐसे है, ये करना है, ये जो जंगली राक्षस है ये भजन हवन जग के नहीं करने देते, तो जो राजकुमार है वो यही गाते रहे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी।
तो अभी मैं आपको स्वयंवर से दृष्टि में ले चलूंगा। अब विनोद नरेश पदम देव जी आ रहे हैं। आशीर्वाद ग्रहण कीजिए।
अपने शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। गुरुदेव प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव।
आएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपनी अपनी बारी से नाम लेने पर मंच पर आइए और अपना अपना भाग्य आजमाइए। सुनो वीर बलकारी सुबट योद्धा बलकारी जो है विनती हमारी, जरा सुन लो
मनुष्य की क्या गिनती। इंद्र ने मुझसे देखा सेवर खूंगा उसका क्या जमरू से शूट करता है Oh!
अभी मैं तुझे जंगपुरी पर राजा बुलाता हूँ और अपनी बहन को तेरे चुंगल से छुड़वाता हूँ। मामूली धनुष को उठाने की काका मेरी समझ में नहीं आती।
चिल्ला चढ़ा दू एकदम ही। पांच सात का कर्तव्य है ये तो मेरे पैर हाथ का। मुश्किल ही क्या है, काम ही ये हैरानी है मुझे। लकड़ी का ही तो है ना किसी और धाका। अरे बाप रे, ये कमान है, ये तो भारी पर्वत के समान है। अब किशोर नरेश पदम जैसी आएंगे और अपना वाक्य आजमाएंगे। Thank you.
शंखनाथ जी पधारेंगे। सांबर के प्रतिज्ञा पूर्ण कर सबका शोक निवारेंगे। जीता है वह क्षत्रिय नहीं कमीना है जो
राजन, जभी 5-10 घमंडी राजा इस धनुष को नहीं उठा सके तो क्या सारी पृथ्वी ही भी महीन हो गई? आपने तो धनुष को हाथ भी नहीं लगाया, इसमें आपकी कौन सी तोहीन हो गई? भ्राता जी, आपकी कृपा से इस शिव धनुष को एक पल में उठाकर अगर कमल की डंडी की तरह ना काट दूं तो जिंदगी भर किसी भी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा।
विवाह तो पुरुष के अधीन था, वो हो गया। आप अयोध्यापुरी में दूध बेचकर अयोध्या नरेश दशरथ जी को निमंत्रण भेज दीजिए। मैं अपने सुगन्धियों के साथ जनकपुरी पधारने की कृपा करें। है पर नाम
क्या तूने ही यह कुछ साहस किया है और परशुराम के हाथों मौत का निवता दिया है? महात्मन, आप इतने क्रोधित क्यों होते हैं और मामूली सी बात पर अक्षमत को क्यों उल्टे बीच होते हैं? ओ बुरे बालक, तू मुझे उपदेश देता है, अभी परशुराम तुझे यमपुरी का संदेश देता है। प्रणाम। ठहरो विश्वामित्र, पहले इस छोकरे को उद्दंडता का मजा चखा लूं, इस परशुराम का क्या स्वभाव है इसे भी दिखा लूं। आहो, दिखा लो जो दिखाना चाहते हो, लगा लगो तार इसकी कर लगाना चाहते हो, क्योंकि मुद्दत हुई है तो चले हुए। मैं तो समझता हूँ कि आपके भी दिया तले हुए। महात्मा जी, इस धनुष के प्रति अगर आपको इतना ही लगाव है तो किसी गुणगान को बुलवाकर ठीक करवा लो। विश्वामित्र, यह बालक मेरे हाथों मरना चाहता है, परशु के धारण करने से परशुराम कहलाता हूँ। युद्ध स्थल में घोर नाद से क्षत्रि का दिल नहलाता हूँ, कुछ जैसे के रक्त से परशु को नहलाता हूँ, कर दुष्ट हीन इस पृथ्वी को मैं अपना दिल बहलाता हूँ। महात्मन, हम रघुवंशी ब्राह्मण को स्त्री आदि पर कभी प्रहार नहीं करते, इसलिए अभी तक अपने आप को संभाले हुए हैं, अन्यथा क्यों कुत्ते में धबकते हो इस कदर? इसका तो मुझ पर कोई असर नहीं, अभी ये कुत्ते निगुते करते हो तुम, होगा ऐसा किसी का असर नहीं। जो ललकारे हमें और बच्चाए, ऐसा दुनिया में कोई फसल नहीं, फिर तुझे तो है पुलों को खा भी चुका, तेरे मरने में भी कोई कसर। अकाल मृत्यु छो मेरे, वो काम करे चंडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मैं तो आपके कारण ही इसकी बातों को सहन कर रहा हूँ, अन्यथा इस कुल्हाड़े का भार काहे को सहन कर रहा हूँ? इसे मालूम नहीं सौभाग्य क्षत्रियों का किया सफाया है मैंने, क्रोध में आकर जब दलों को मिटाया है मैंने, जब भी चाहा इस कुल्हाड़े को शुद्ध रक्त पिलाया है मैंने, इस बच्चे की क्या औकात, बड़े बड़े को जमपुरी पहुंचाया है मैंने। आपकी शोभा को मैं जानता हूँ, आपके प्रताप को मैं मानता हूँ, आपने काटा था कभी सर अपनी माता का, यही है शोभा आपकी, लगता है डर मुझे कराता का, यही मजबूरी है, यही संताप है। महाराज, आप महान हैं, आप मेरे छोटे भाई पर रोष मत कीजिए, आप जो भी उचित समझे वही दंड दे दीजिए। ये छोटा है भाई का तो अति खोटा है। महाराज, वाणी तो आपकी भी बड़ी मीठी है, ना कभी सुनी है ना कभी की है। हे राम, ये आपका छोटा भाई है, ये जानकर ही इसे छोड़ रहा हूँ और अपने कर्तव्य से मुख मोड़ रहा हूँ। आपकी सहनशीलता का चेतन भारी है, बिना कारण लड़ाई मोड़नी, वरना कौन सी शत्रुता हमारे भाई है? तुम तो हो बड़े नादान, सिर्फ गलती हमारी है, पता नहीं क्रोध में आकर आपके अंदर जल्दी आग की। ऐ सभा के लोगों सुनो,
इस सांप जैसे जहरीले को जमपुरी पहचाता हूँ, इस गुरुद्रोही को दंडित कर परशु की प्यास बुझाता हूँ। बहुत सहन किया मैंने, अब तो नहीं सहा जाता, अपमान मेरा करने वाला देखो अभी यही है सहा जाता। मुनिवर, आपने क्या किया है और क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे कम आपको जानती समाज सारी है, फिर मेरे मन की तुम्हें क्या लुभारी है, अकड़ते भी हो डरते भी हो आदत आपकी न्यारी है, चुपचाप यहाँ से खिसक चलो अगर इतनी ही जान। विश्वामित्र, इसे रोको, मेरी आंखों से दूर करो वरना अब बड़ा अनर्थ होने वाला है। बेटा, मेरा कहा मानो, प्रभु जी को मेरे स्थान तब अधिक दोष पूर्ण पर तालाब करो, आंखों में बसा ले इष्ट दे, कानों से अलग रात सुने, फिर मैं और तुझसे मम्मानी रहे, दूर है निश्चय पाओगे। ये फिर मोटा है, अपनी जुबान खोता है। आपका मन क्यों डरता है? भैया लक्ष्मण, आप ये क्या कर रहे हो? गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो? तू भी बड़ा होशियार है, बोलता तो ऐसे है जैसे सारी दुनिया का तू ही मुख्तियार है। महाराज, मैं तो आपका इज्जतदार हूं, आपकी हर आज्ञा पालन करने को तैयार हूं। मैं ज्यादा बातें सुनने का आदि नहीं हूं, मुझे तो यह जानना है कि तूने मेरे गुरु के धनुष को क्यों और कैसे तोड़ा। महाराज, क्यों तोड़ा इसका उत्तर तो है, महाराज जनक जी के कहने पर गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ हम यहाँ स्वयंवर देखने आए थे और स्वयंवर की शरण अनुसार मैंने इस दिव्य धनुष को स्पर्श ही किया, वह अपने आप उठा और खंडित हो गया। और रहा आपका दूसरा प्रश्न कि मैंने इसे कैसे तोड़ा, इसके लिए आप अपना धनुष मुझे दीजिए, मैं प्रयत्न करूंगा प्रमाणित करने का। तो लो, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओ और मेरा संदेह मिटाओ। भगवान, मेरे व्यवहार को क्षमा कीजिए और मुझे इतना वचन दीजिए कि मैं जब चाहूं जहां चाहूं आपके दर्शन कर सकूं। आपकी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। जा मेरे पशु, समुद्र में वास कर। Thank you.
सेनापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जति की जय। जानकी मैया जी की जय। जयकारा बजरंगी।